दोस्तों इस वीडियोस को देखने के बाद आपके मन से जो डाउट है ना कि किराने दुकान से कितनी कमाई होती है, किराने दुकान से कितनी कमाई होती है, इसका जो डाउट है आपके मन में वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियोस को आप अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको सच में कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। यदि आप 20-25 हज़ार रुपये से किराना दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं गाँव में रह करके, तो मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितनी कमाई होती होगी और इसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ये सारा कुछ आज अपने इस वीडियोस में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियोस को एक लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज यार। आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी कर देते हैं, 2-3 हज़ार व्यूज आता है लाइक नहीं करते हैं। प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए आज कोई मैं सोच पे निर्भर नहीं करूँगा, बात करूँगा, जो भी होगा प्रैक्टिकल होगा, लाइव होगा कि मैं किस तरीके से कमाता था और किस तरीके से मैंने ये दुकान किया, और यदि आप चाहें तो दुकान कर सकते हैं और कितनी कमाई होती है, ये सब कुछ आज आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों तो मेरा नाम राजेश है और आप RK टूल चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले किसी कंपनी में काम करता था, प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके बाद से मेरे पास थोड़ी बहुत पूंजी हुई, पैसे हुए, तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं, मैं दिन भर मान लीजिए गांव में रहता हूं और मेरा खेतीबाड़ी थोड़ी बहुत है, तो क्यों ना एक दुकान भी कर लेता हूँ। इस वैसा मेरा जगह भी है, मेरा अपना खुद का घर भी है, तो मैं इस चौराहे पे, एक चौराहा टाइप है मेरे यहाँ बाहर, ठीक है, तो वहीं पे मैंने सोचा किराने की दुकान कर लेता हूँ। यहाँ पे दुकानें हैं, 2-3 दुकानें हैं, कंपटीशन तो है, हर चीज़ में कंपटीशन है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर अच्छा दूंगा, सस्ता रेट में दूंगा, बढ़िया सामान दूंगा, जो भी होगा डायरेक्ट बोल दूंगा, लोगों को लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा लेंगे। मैंने ट्राई करने के लिए दुकान खोला था। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने ट्राई करने के लिए दुकान खोला था कि क्या मैं दुकान चला सकता हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कहीं दुकान पर काम नहीं किया था, मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पूंजी 10,000 रुपए मात्र लगाया था, 12,500 रुपए का मैंने सामान लाया था पहली बार। और ये सब जो रेक आप जो देख रहे हैं, जो इस तरह से जो ये होता है ना लकड़ी का जो रेक होता है, इसको बनवाने में खर्चा आया था 7,000-7,500 के आसपास, ठीक है। इसको छोड़ करके 12,500 का मैंने सामान लगाया था, मिलाया था, ठीक है। वो अगर मैंने वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं दे दूंगा, तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से लिस्ट होते थे, कौन कौन से सामान होते थे जो मैं लाया था शुरू शुरू में, ठीक है। और अभी आप जानते हैं किराना दुकान जो होता है वो 12 महीना चलने वाला होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बशर्ते इसमें जो है ना कमाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आपके सेल के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए आपने 20,000 या 25,000 जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था, वैसा आपने 25,000 रुपये लगाकर कोई किराना दुकान स्टार्ट कर दिया, आपने वैसे डेली ज़रूरत का जो भी सामान होते हैं सब आपने रखा, ठीक है, सुबह ब्रश पेस्ट है ना, कोलगेट ये सब रख, साथ साथ में चीनी है ना, मैदा बेसन जो भी रखना होता है सब आपने रखा, और रख करके अब मैं आपको बता दूँ, चीनी आज के डेट में 44 रुपये किलो है ना, 44 रुपये केजी है आज के डेट में। जो जो ये बोरी मिलता है ना, एक बोरी जो मैं मंगाता हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाता हूँ, ठीक है, तो वो एक बोरी मुझे मिलता है 2,010 रुपये का। अब आप सोचिए कि कितनी कमाई है। अगर सेल अगर नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब है 2-3 दिन में 4 दिन में अगर वो बोरी ख़त्म हो जाती है तब तो ठीक है, अगर वो महीना दिन तक आपका बोरी चलता है, यानी गांव में लोग एक पाव आधा किलो, एक पाव आधा किलो ऐसे ही लोग खरीदते हैं, 5 किलो 10 किलो तो कोई खरीदता नहीं है, ठीक है, एक एक पाव आधा किलो ऐसे करके बेचते हैं, तो अभी 2,044 रुपये किलो या 2,010 रुपये में मुझे मिला था, यानी अगर मैं उसको बेचूँ तो 400 रुपये के आसपास है ना, या 390-400 रुपये के आसपास मुझे कमाई होगी एक बोरी चीनी से, ठीक है। इसी तरीके से मैदे में भी है, इसी तरीके से बेसन में भी है। बेसन जो है, चने का बेसन जो है, वो 20 रुपये पहिया मतलब बेचते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको 18 रुपये के आसपास हमें मिलता है, पहिया की बात में कर रहा हूँ, ठीक है, या 18.5 रुपये पहिया में जो मुझे मिलता है, 20 रुपये पहिया में बेचता हूँ। तो इस तरीके से मतलब 1-1 रुपये 2-2 रुपये 1.5-1.5 रुपये इस तरीके से हर चीज़ में। पार्ले जी का बिस्किट जो है, मैंने आपको वीडियोस में बताया था, पार्ले जी का बिस्किट जो है वो 625 में मुझे गत्ता मिलता है, 625 रुपये में। वो होता कितने का है, 700 कुछ रुपये का होता है, 710-715 रुपये के आसपास वो होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी है, पेन है, मैं हर चीज़ में मतलब आपको बता चुका हूँ कि कितने में उसका होलसेल रेट है, ठीक है। अगली जो मेरी वीडियोज आने वाली है, मैं उसमें भी बताता जाऊँगा आपको कि कितने में क्या मिलता है और किस तरीके से इसमें कमाई होती है। अब मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये कोई फिक्स नहीं होता है
कि आपको इतना ही कमाई होगा। इसमें प्रॉब्लम भी बहुत आते हैं, प्रॉब्लम मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ यदि आप खोलना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं खोलने के लिए। तो देखिए प्रॉब्लम ये आता है कि कस्टमर आते हैं 44 रुपये किलो चीनी है, अभी 40 रुपये था, मतलब 2-3 दिन पहले 40 रुपये था, अभी आज के डेट में 44 रुपये हो चुका है। कस्टमर को 40 की लत लगी है, वो 40 रुपये के हिसाब से ही मांगता है, ठीक है। अगर आप 44 मांगते हैं तो आपको उसको लगता है कि आप ज़्यादा मांग रहे हैं, या फिर आपने अपना दुकान मतलब आपका चल रहा है तो आप 1 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं लोगों से, 11 रुपये पहिया जो है आप ले रहे हैं, 10 रुपये पहिया मिलता था 11 रुपये पहिया मांग, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये दुकानदार अब लग रहा है कि इसका भाव बढ़ गया है, ये मांग रहा है, ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है। तो कस्टमर आपके मुकरने लगते हैं और फिर इधर उधर जाने लगते हैं, फिर रेट तलाशने लगते हैं, ठीक है। बस सर तो उनको रेट तलाशना चाहिए, लेकिन अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हैं तो लोगों को यकीन नहीं होता है, ठीक है। लोग आपको इस तरीके से बात करेंगे जैसे कि आप क्या उनसे लूट लिए हैं, ठीक है। 1 रुपये के चलते आप क्या लूट लें। अगर आपको महंगा मिल रहा है, पहले 1800 की बोरी आती थी, अब जो है 2010 रुपये की बोरी आ रही है, बताइए आप या मैं या कोई भी दुकानदार क्या करेगा, ठीक है। तो लोगों को ऐसा मतलब कंट्रोल करना होता है, वो आपको प्यार से कंट्रोल करना होता है। अगर आप थोड़ा सा तेज़ बात करेंगे, फिर रोका बात करेंगे, तो फिर वो कस्टमर आपका मुकर जाएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। उसके बाद से रेजकारी होते हैं, फुटकर होते हैं, फुटकर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई खुला ही देता है, सिक्का ही देता है, 40 रुपये कोई सामान खरीद, 2-2 का सिक्का ला के दे दिया, अब आप क्या करेंगे, आपको लेना ही है। लेकिन आप अगर ले जाएंगे किसी दुकान को, मतलब जहाँ से होलसेल में लाते हैं वहाँ पे ले जा करके देंगे, तो वो दुकानदार लेने से मना कर देगा, भाई मैं सिक्का नहीं लूँगा, ठीक है। आप 500, 1000, 2000, 5000, 10000 का सामान लाएंगे तो उसमें ज़्यादातर 1000, 2000 का अगर सिक्का है आपके पास, तो वो दुकानदार लेने से मना कर देगा, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन मैंने आपको बताया था एक वीडियोज़ में, है ना, अगर आई बटन में मैं लगा दूंगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा कि सिक्के को प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, सिक्का अगर ज़्यादा हो रहा है आपके पास तो आप उसका क्या करें, ठीक है। उसकी वीडियोज़ मैंने बना रखा है, अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, कमाई होती है हर चीज़ में, तो कमाई होती है, बिना फ़ायदा का तो कुछ नहीं है, बशर्ते इसमें 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 1.5-1.5 रुपये इस तरीके से कमाई होती है। जैसे मान लीजिए कोई साबुन है, 10 रुपये का साबुन है, आपको वो कितना में मिलेगा, 9.5 रुपये में आपको मिलेगा, ठीक है। 1 रुपये कमाई होगी एक साबुन में, या 75 पैसे कमाई होगी, इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती है, ठीक है। अगर आप गत्ता गत्ता मंगाते हैं तब तो कुछ बेनिफिट होता है, गत्ता गत्ता मंगाते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिन भर में कितना साबुन बेचेंगे, अब जितना, देखिए कहने का मतलब है कि जो भी आपकी आमदनी है, जो भी आप सोच रहे हैं कि मैं इतना कमा लूँगा, या फिर कोई भी दुकानदार इस तरीके से कमाता है, उसके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं क्लियर नहीं बता सकता कि इतना ही होता है, लेकिन ये मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये की बिक्री की, कम से कम गांव में रहते हैं तो 1000 रुपये की बिक्री तो हो ही जाती होगी, ठीक है। अगर 1000 रुपये की आप बिक्री करते हैं तो मान के चलिए कि आप 90-100 रुपये के आसपास आपको कमाई हो सकती है, ठीक है। इतना ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया, इतना कमाई हो जाती है, बशर्ते यदि आप 2000, 3000, 10000 बेचते हैं, ठीक है, तो आपको उसी के हिसाब से 1-1 नंबरी 100-100 का नोट आप समझ लीजिए कि मेरा ये फ़ायदा है, बाकी सब आपका मूलधन है, बस यही चीज़ है। अगर कोई सोचता है कि किराने दुकान से मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, तो कोई नहीं कमा सकता यार, क्योंकि इसमें मार्जिन ही बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब मार्जिन यार कम आते हैं क्योंकि सामान बढ़िया है, महंगा है, तो मार्जिन तो कम ही आएगा। जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा है तो उसमें तो मार्जिन होता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना ही से कहना चाहता हूँ कि यदि आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं तो बेशक खोलिए, बशर्ते आप वैसे जगह पे खोलिए जहाँ पे चलने का चांस है, जहाँ पे लोग ज़्यादा आएँ और ज़्यादा आप सेल कर सकें, तो आपकी कमाई होगी, ठीक है। लेकिन एक बात है कि ये बारिश होती रहेगी, लोग छात लाकर आपके दुकान पे आएंगे सामान खरीदने के लिए, यदि आपके पास सामान है तो, है ना, आप बैठे रहेंगे आराम से, ये तो है। लेकिन एक चीज़ और इसमें दिक्कत वाली बात है कि आपको बैठना रहता है ना, सुबह से लेकर के और रात को 10 बजे तक, मतलब 6 बजे से सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको परमानेंट ड्यूटी की तरह देना ही होता है। अगर आप दुकान बंद करते हैं तो फिर लोग आपके, मतलब कस्टमर हैं वो जो इधर उधर बिछड़ जाते हैं, फिर आप बाद में पछताते हैं या फिर दुकान आपका नहीं चलता है, बस यही कारण होते हैं। लेकिन अगर आप टाइम देते हैं दुकान पे, पूरा फुल टाइम देते हैं, आप बैठते हैं तो आपका दुकान चलता है और कस्टमर भी आपसे जुड़े रहते हैं। और हर एक आइटम को देखिए, दुकान में कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा। कहने मतलब है कि अगर तेल और नमक दो चीज़ जो है वो तो कभी ख़त्म होने ही मत दीजिएगा, तेल और नमक, क्योंकि ये ऐसा अंधविश्वास में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मानते हैं लोग, कहते हैं कि तेल और नमक अगर ये दुकान से ख़त्म हो जाता है तो फिर आपका दुकान मतलब
वो चल नहीं पाता है बढ़िया से, ठीक है। तो तेल और नमक कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा अपने दुकान से, अगर दुकानदार हैं या फिर दुकानदार बनना चाहते हैं तो तेल और सरसों का तेल मतलब और नमक ये कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा अपनी दुकान से, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि अगर 20-25 हज़ार रुपये लगाते हैं, 1,500 रुपये अगर सेल हो जाता है आपका तो 100 रुपये, अगर 2,000 होता है तो 200, इसी के हिसाब से 10,000 होता है तो 800-900 हज़ार रुपये तक आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार इस वीडियोज़ को शूट करने में। आपको लगता है कि मैं बस ऐसा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलने में जो टेक्निक लगता है, दिमाग लगता है उसको, ताकि गलत ना हो जाए, लोगों जो व्यूअर्स हैं उनको सच्चाई जो है सामने जाए, है ना। मैं बिल्कुल सही बताया हूँ आपको, कोई इसमें गलत बात नहीं, कोई मिलावट नहीं है, कोई मैंने एक्स्ट्रा नहीं बात किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।